हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स। आज की रेसिपी हम गाजर से बनाएंगे। गाजर का हलवा तो सभी लोग बनाते ही हैं, लेकिन आज हम गाजर से कुछ अलग ही ट्राई करेंगे। हम गाजर से बनाएंगे आज गाजर का रोल। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर लिया है, उसको अच्छे से साफ़ करके उसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। अब हमें इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। ये गाजर अच्छे से पीस चुका है। फ्रेंड, जब गाजर को पीसते हैं तो वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, लेकिन हम उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। हम पानी की जगह पर मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड किया है। अब एक बर्तन में 1 टेबल स्पून घी लिया है। फ्रेंड्स, आप इसमें घी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी 1 टेबल स्पून लिया है और 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं बाद में इसमें यूज़ करूँगी। हमने जो कैरेट का पेस्ट बनाया था, उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। पूरा कैरेट का पेस्ट इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से पकाना है। इसको लगातार चलाते रहना है, जिससे कि कैरेट हमारा नीचे से जले नहीं। लगातार चलाते हुए और इसको वैसे ही पकाते रहना है। इसको हमें एकदम ड्राई करना है। जब कैरेट पकने लगेगा तो इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। कैरेट हमारा पक चुका है और पहले से काफ़ी थिक हो चुका है। अब हमें 1 ग्लास मिल्क लेना है और उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। मैंने थोड़ा मिल्क डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर थोड़ा मिल्क और ऐड किया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी तरह मिक्स करने के बाद बाकी बचा हुआ मिल्क भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि हमें इसे एकदम ड्राई करना है। मैंने ये 10 रुपीज़ वाले जो मिल्क पाउडर के पैकेट आते हैं ना, तो मैंने 2 पैकेट मिल्क पाउडर के लिए और दोनों को इसमें मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की क्वांटिटी 3 गुना कर दें। 1 गिलास दूध की जगह पर आप 3 गिलास दूध लें और दूध डालकर इसको अच्छे से पका लें। अब इसका कलर एकदम लाइट हो गया है और ये पकते पकते थोड़ा सा इसका कलर और डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। तो अभी हमारा थोड़ा थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है और इसको एकदम थिक कर लेना है। इसी पकाते हुए इसको हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। अब मैंने इसमें 1/2 कप शुगर ऐड किया है। शुगर अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं। मैंने 1/2 कप शुगर ही इसमें ऐड किया है। शुगर डालने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा डार्क कलर हो जाता है और एकदम शाइनी सा होने शुरू हो जाता है ये। इसको अच्छे से चलाते रहना है। फ्रेंड्स, मैंने 1 ड्रॉप इसमें रेड कलर का ऐड किया है, क्योंकि मेरा ये थोड़ा येल्लो लग रहा था, तो कैरेट की तरह इसका कलर दिखना चाहिए। मैंने 1 ड्रॉप इसमें रेड कलर का ऐड किया है। कैरेट हमारा रेडी हो चुका है, एकदम ठीक हो गया। इसको हम ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देंगे। अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स मैंने पिस्ता, काजू, बादाम लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पाइनएप्पल क्रश लिया है। क्रश डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स हो जाए, इससे हमारे ड्राई फ्रूट आपस में चिपक जाते हैं। अब ये मैंने कैरेट लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स रेडी किया था पाइनएप्पल क्रश डाल के, उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। और ये मैंने प्लास्टिक रैप होता है ना, उसको डबल कर लिया है और उसके ऊपर मैंने इसको डाला है। थोड़ा सा हैंड से इसको प्लेन करना है ताकि सारे में ये इक्वल आए। अच्छे से इसको रेक्टेंगल शेप में इसको अच्छे से सेट कर देना है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रेडी करे थे, इसके सेंटर में हम इनको डालेंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस पर डाल देंगे। इसको पूरे में फैलाकर नहीं डालना है, एक लाइन सी इस पर डालना है, जिससे कि हम रोल बनाएंगे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स उसके बीच में हमें दिखे। अब प्लास्टिक रैप को हल्का सा ऊपर उठाकर, दोनों तरफ से उठाकर इसके जो कॉर्नर्स हैं, इसके साइड को आपस में जोड़ देना है। इसी तरीके से इसको हाथ से एक रोल की शेप देनी है। इसके कॉर्नर्स के जॉइंट्स को अच्छे से हाथ से मिला देना है, खुला नहीं रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट सारे इसके बीच में बंद हो जाएं। हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर देना है। इसके साइड को भी थोड़ा सा सेट कर देंगे हाथ से हम। अब इसी प्लास्टिक रैप को इसके ऊपर करके हम इसको रोल कर देंगे। इसी से इसको पूरा कवर कर देंगे। इसमें थोड़ा सा हाथ से इसको रोल करेंगे, जिससे कि एकदम इसमें फिनिशिंग आ जाए, ये अच्छे से रोल हो जाए। इसके साइड से इसको फोल्ड करेंगे
और एकदम टाइट साइज का रोल बना के देंगे हम इसका। ये रोल बहुत अच्छे से बन चुका है, इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 10 मिनट में ये रोल अच्छे से सेट हो चुका था फ्रेंड्स, मैंने ये डीप फ्रीज रख दिया तो थोड़ा ज़्यादा ही सेट हो गया है। आप इसको नॉर्मल फ्रिज में ही रखिएगा, 10 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं इसको डीप फ्रिज में रख कर भूल गई तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया है। अब इसके ऊपर ये केक के जो फ्लैक्स होता है ना, सिल्वर फ्लैक्स, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सिल्वर फ्लैक्स लगाऊंगी, इससे इस रोल का लुक और भी अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स तो हमने इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में डाले हैं तो ऊपर ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे, बहुत ही आराम से कट जाता है। मैंने थोड़ा डीप फ्रिज रखा था तो इसलिए थोड़ा टाइट हो गया। आप इसको नॉर्मल फ्रिज में रखिएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत ही आराम से इसके पीसेस कट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा सेट हो चुका है। और ये इसके जो हमने ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग करी है इसके बीच में, वो एकदम सेंटर में आई और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारे कैरेट रोल रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।